हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स स्टडी अवर टुडेज टॉपिक विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट किया था और दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस हमने तीन तरह के टेंसेस पढ़े हैं ना कि प्रेजेंट टेंस डिस्कस किए थे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स हैं

ओके okay? तो इस टेंस को की पहचान कैसे होती है कैसे इस टेंस को पहचानते हैं वो क्या है जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है ते रहे हैं रहे हैं रहा है ती रही है इस तरह की चीज़ें आती हैं वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाता है या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है प्रोग्रेसिव का मतलब मीन्स प्रोग्रेस हुई मतलब उस टेंस में प्रोग्रेस कहते हैं ना कि प्रोग्रेस चल रही है किसी की मतलब तरक्की चल रही है लाइक कैसे थोड़ा सा कोरिलेट करके समझेंगे तो ईजी रहेगा तो प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि इस टेंस से क्या मतलब कि काम पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी हमारा काम कंटिन्यू है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था थोड़ा सा कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ बट प्रेजेंट तक वो काम कंटिन्यू है कोई भी काम हमने शुरू तो कर लिया पास्ट में लेकिन वो खत्म ख़त्म नहीं हुआ फिनिश नहीं हुआ एंड द वर्क इज़ स्टिल कंटिन्यू काम जो है हमारा चल रहा है तो उस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ठीक है तो जैसे एग्जांपल हम लें कि वह सुबह से खेल रहा है है ना तो मतलब जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं अगेन एंड अगेन अपनी बात को इसीलिए रिपीट करती हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सो so दैट आपको समझ आए कि क्या है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें इजी होंगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को क्या बड़े लोगों को भी हो जाता है तो जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो दिमाग से चीज़ें स्लिप आउट हो जाती हैं ठीक है तो इसीलिए मैं अपनी मैं मतलब ये मेरी हैबिट में है कि मैं जब तक समझा ना लूँ अच्छे से तो मुझे लगता है कि मतलब तब तक मुझे ख़ुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होता अच्छे से जब तक मैं अपनी बात को एक्सप्लेन ना कर लूँ दैट्स वाट अगेन आई अगेन आई एम सेइंग कि काम ख़त्म नहीं हुआ है प्रीवियस में काम स्टार्ट हुआ पास्ट में हमारा काम स्टार्ट हुआ बट काम चलता रहता है जैसे हैज़ बीन हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हम कोरिलेट करेंगे तो हम इन चीज़ों को समझेंगे हैज बीन हैव बीन का यूज भी और जैसे एक एग्जाम्पल है वह सुबह से खेल रहा है ठीक है तो सुबह से खेल रहा है मतलब हम सोचेंगे जब थोड़ा सा कि वह सुबह से खेल रहा है यानी मतलब अपने आप आ जाता है कि हाँ यार सुबह से खेल रहा है मतलब अभी भी खेल रहा है और सुबह से उसने खेलना शुरू किया था और अभी भी उसका काम खेलने का ख़त्म नहीं हुआ है स्टिल कंटिन्यू है ठीक है तो काम पास्ट में स्टार्ट होगा और प्रेजेंट तक चलता रहेगा वह सुबह से सोता रहा है वह सुबह से आ, खेलता रहा है या वह सुबह से खेल रहा है लाइक दिस राइट सो हेल्पिंग वर्ब अब हम पढ़ेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। बीन एंड हैव बीन दो हेल्पिंग हैज बीन सिंगुलर नाउंस के साथ जाती है सिंगुलर नाउन कौन कौन है ही शी इट और सबके साथ हैज़ बीन और हैज़ बीन जो है जा जाएगा हैज़ बीन हैज बीन हैजबीन सब जगह वही प्लूरल नाउंस के साथ जो कि कौन कौन से आई वी यू दे ये जो प्लूरल नाउंस हैं चार उनके साथ क्या जाएगा हैव बीन हैव बीन हैव बीन एंड हैव बीन ठीक है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बेस फॉर्म भी कहते हैं अब बेस फॉर्म में क्या होता है कहीं तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है उसमें ऐसे आई एस लगाया है ठीक है कहीं सेकंड फॉर्म कहीं थर्ड फॉर्म इस तरह यूज़ होती है तो यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं उसमें आईएनजी को जोड़ते हैं ठीक है और जब हम बेस फॉर्म में आईएनजी को लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है दैट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइन इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल वेन वी वेन वी एड आई एन जी इन देश फॉर्म वेन वी एड आई एन जी इन देश इट बिकमेंट पार्टिसिपल सो अफॉर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्क वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और यू कैन कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल दिस वी कैन कॉल

यहाँ पर सीन्स को हमने लिखा है निश्चित समय के लिए और फोर को हम करेंगे अनिश्चित समय के लिए अब निश्चित और अनिश्चित का क्या मतलब है भाई निश्चित समय के लिए तब होता है जब हमें टाइम दिया हो टू ओ दो बजे से नौ बजे से दस बजे से पाँच बजे से सुबह से ठीक है वो खेल रहा है खाना खा रहा है जो भी वो सुबह दो बजे से या दोपहर दो, दो बजे से वो ऑफिस में है तो ठीक है ये टाइम हमें मालूम है दो दो बजे से लेकिन जब बोलेंगे दस मिनट से वो चाय पी रहा है तो दस मिनट कौन से दो मिनट वी डोंट नो दस मिनट टेन मिनट्स कौन से टेन मिनट्स हैं और दस मिनट कौन से हैं? वी डोंट नो अबाउट दैट तो तब हमारा टाइम अनसर्टेन होगा एंड वी विल एड फोर ठीक है तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल फर्स्ट वे दस मिनट से चाय पी रहे हैं सो वी वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू जस्ट वुट द फॉर्मूला वुट द स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस एंड अवर सेंटेंस विल बिकम रेडी ठीक है कैसे सब्जेक्ट है फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है यानी कि प्रेजेंट पार्ट ऑफ से पहले हो गई और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट में यहाँ पर फोर लगाएंगे क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम है राइट सो so, क्या सेंटेंस बनेगा दे हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर टेन मिनिट्स दे हैव बिन टी फॉर टेन मिनट अब हमारा सर्टन टाइम का एग्जाम्पल क्या होगा तुम नौ बजे से काम कर रहे हो यू ये प्लूरल है ठीक है थीके? तो प्लूरल के साथ है क्लाक right? तो, तो नौ बजे से तुम काम कर रहे हो ये एक सर्टन टाइम है नौ बजे हमें मालूम है ठीक है तो और जैसे नाइन थर्टी फाइव सॉरी नाइनटीन थर्टी फाइव जो है हमारा या कोई सन हमें देंगे कि 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 तो ये जो सर्टन टाइम होता है ना उसके लिए हमें सीन्स यूज करना है फाइन आगे चलें ओके okay. सुबह से बारिश हो रही है इट हैज़ बिन रेनिंग सीन्स मॉर्निंग इट क्या है हमारा सिंगुलर है ठीक है तो ये ही और शी का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है सुबह से बारिश हो रही है बारिश एक तो... मतलब चीज है नॉन लिविंग थिंग जैसे है तो इट इट हैज बीन इट सिंगुलर है तो हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम हमें मालूम है दैट्स व्हाट वी हैव रिटन सिंस मॉर्निंग ओके नेक्स्ट वह चार घंटे से खेलता रहा है ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स चार घंटे से वो खेल रहा है तो कितने 4 घंटे वी डोंट नो फोर आवर्स के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कौन से अरे चार घंटे से वो खेलता ही रहा अब कौन से सुबह के शाम के रात के आई वी डोंट नो तो इसीलिए हम ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर फोर आवर्स ठीक है नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमको नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़ और हैव हैज़ ठीक है हैज़ और हैव के बाद हमको नॉट लगाना है और बीन मीन्स क्या है कि हैज़ और हैव के बाद और हैज और हैव बीन हैज बीन या हैव बीन इन दोनों के बीच में हमको नॉट लगा देना है ठीक है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा हमें ऐसा नहीं करना कि हैज़ बीन नॉट नहीं दिस इज द रॉन्ग हैज़ बीन नॉट नहीं हम लिखेंगे हमें लिखना हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन ठीक है सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव्स वे दस मिनट से चाय नहीं पी रहे हैं ठीक है वे दस मिनट से चाय नहीं पी रहे हैं तो दे हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग टी फॉर टेन मिनट्स तो हमारा हमने हमारा फॉर्मूले को यहाँ पर जस्ट अप्लाई कर दिया है दे हैव नॉट बीन सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमने नॉट को लगा दिया हैव नॉट बीन हैव नॉट बीन सिंपल बस एक बार फ्लो में आ जाना तो ईजिली हो जाता है दे हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग टी फॉर टेन मिनट दस मिनट से वो चाय उन्होंने चाय नहीं पी रहे हैं दस मिनट से वो लोग चाय नहीं पी रहे हैं ठीक है वह सुबह से नहीं खेल रहा है ही हैज़ नॉट बीन हैज नॉट बीन ठीक है ना हैज़ और बीन के बीच में नॉट अप्लाई कर दिया ही हैज नॉट बीन प्ले यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंस मॉर्निंग ठीक है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है क्या सुबह से बारिश हो रही है या इस वाले क्या का मतलब क्या है बताया था ना मैंने पहले कि हेल्पिंग वर्ब में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको जो क्या होगा उसका मतलब होगा हेल्पिंग वर्ब लेकिन जब क्या बीच में आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड बन जाएगा तब उसका क्या का मतलब वॉट ही होगा जैसे एज यूजल होता है हमेशा होता है वॉट मीन्स क्या होता है ना तो फिर उस क्या को हम क्या वॉट ही लिखेंगे बट क्योंकि ये स्टार्टिंग में है दे आर आस्किंग द क्वेश्चन तो हम उस क्या का मतलब क्या है हेल्पिंग वर्ब ठीक है चलिए तो फॉर्मूला क्या होगा ऐसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैज़ बीन हैव बीन सब्जेक्ट ठीक है फिर नॉट फिर वर्ब में आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट अब हम इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे हैज़ हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैज़ और हैव होगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ भी यू ही शी कुछ भी हो सकता है तो सब्जेक्ट फिर बीन फिर नॉट नहीं ये नॉट इधर इट विल कम हेयर नॉट ठीक है नॉट बीन नॉट और बीन तो हैज़ और बीन के बीच में हमको सब्जेक्ट और नॉट लिखना है ठीक है मैंने यहाँ लिखा हुआ हैज़ और बीन और हैज बीन के बीच में हमने सब्जेक्ट और नॉट को अप्लाई कर देना है अब हमारा सेंटेंस क्या कहता है कि क्या सुबह से बारिश हो रही है क्या सुबह से बारिश हो रही है तो हम क्या के लिए क्या लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब अपनी हैज फिर सब्जेक्ट इट हमारा सब्जेक्ट क्या है इट बीन हैज़ इट बीन यानी सब्जेक्ट किसके बीच में हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट आता हैज़ इट बीन रेनिंग सींस मॉर्निंग क्या सुबह से बारिश हो रही है तो हैज़ को पहले लिया ठीक है फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया फिर बीन अगर नॉट होगा तो हम यहाँ नॉट को भी लिख देंगे हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सीस मॉर्निंग ठीक है क्या तुम सुबह पाँच बजे से खेल रहे हो ठीक है तो क्या क्या है तो यानी हेल्पिंग वन है हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सीन्स फाइव ओ क्लॉक हैव यू नॉट बीन प्लेइंग दोनों तरफ से मैंने बनाया है जिस इसमें नॉट नहीं है इसमें नॉट है तो हैव यू बीन प्लेइंग सीन्स फाइव ओ क्लॉक तो हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट ले आए लेकिन अगर सेंटेंस में नहीं आ जाता है कि आप क्या तुम पाँच बजे से नहीं खेल रहे हो तो हैव यू नॉट बीन और हैव और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट को हम अप्लाई कर देंगे तो हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस फाइव ओ क्लॉक ये हमारा इसका पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफामेटिव एक तरह से पॉजिटिव नहीं नॉट अफामेटिव पॉजिटिव एंड ये negative. ये नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरोगेटिव पॉजिटिव इंटेरोगेटिव और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव ये ना नेगेटिव आ गया ना नॉट लगा दिया तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया ये ठीक है नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया और ये हमारा पॉजिटिव इंटरोगेटिव ठीक है सो सब्जेक्ट प्लस हैव और बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट और नॉट को हम अप्लाई कर देंगे ठीक है वी कम टू डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेस सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा ये होगा यहाँ तक डब्ल्यू एच वर्ड हैज़ और हैव हैज़ और हैव कोई भी हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन यानी हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट नॉट बीन यानी हैव और बीन के बीच में हैव और बीन के बीच में हमें सब्जेक्ट और नॉट को लिखना है फिर वर्ब में आई एन जी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट अब एग्जाम्पल क्या है क्या चार घंटे क्या वह चार घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है डब्ल्यू एच वर्ड हमारा यहाँ पर है वह चार घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है यहाँ कैसे करेंगे हम डब्ल्यू एच वर्ड को उठाएंगे पहले वाई ठीक है वाई माने क्यों होता है अब सिंगुलर है कि पहले हम देखेंगे? है, ये देखेंगे वह यानी कि सिंगुलर है तो वाई हैज अब नॉट भी है सेंटेंस में तो और सब्जेक्ट ही है हमारा वाई हैज ही नॉट बीन अब देखो हैज और बीन के बीच में हमारा नॉट आ गया ना ही और नॉट दोनों सब्जेक्ट और नॉट वाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग प्लेइंग फॉर फोर आवर्स ठीक है इंटरोगेसन मार्क माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है क्यों नहीं दे रहा है वाई अगेन सब्जेक्ट इसके वाई क्वेश्चन इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड अब हमारा सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा हम देखेंगे माली है सिंगुलर है उसको देख के ही पहले हम इसे देख लेंगे तभी हमें पता चलेगा माली सिंगुलर है या हम है तो प्लूरल हो जाएगा वह है तो सिंगुलर हो जाएगा तो जो ये हमारा माली है सिंगुलर है, है उसको देखने के बाद ही हम एकदम सोचेंगे कि हैज लगाना है कि हैव लगाना है तो हम हैज अप्लाई कर देंगे वाई हैज द गार्डनर ठीक है गार्डनर वाई हैज द गार्डनर, अभी क्या करना है नॉट है राइट है तो हम लगाएंगे नॉट फिर हम बीन लगाएंगे अभी देखो फिर से वही चीज हुई हैज और बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट और नॉट आ गया ना ठीक है तो वाई हैज द गार्डनर नॉट बीन वॉटरिंग वॉटरिंग मीन्स पानी देना और ऐसे भी कर सकते हैं गिविंग वाटर अगर आप करना चाहो थोड़ा नहीं कुछ समझ में आता है तो गिविंग वाटर देना तो है ना गिव मैंने देना तो क्या देना पानी देना तो गिविंग वाटर तो हैज नॉट वाई हैज द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग किसको नहीं दे रहा है टू द प्लांट्स टू द्लांट्स फुल स्टॉप अब इसमें हमें समय नहीं दिया हुआ कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे राइट वह सुबह से क्यों नहीं पड़ रही है अब यहाँ हमको टाइम दे दिया यहाँ पर टाइम नहीं था तो ठीक है नहीं दिया हुआ है तो हम सीन्स और फोर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बट टाइम है तो फिर हमें लगाना पड़ेगा ठीक है वह सुबह से नहीं। क्यों नहीं पड़ रही है तो वाई फिर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट वह है तो इसको अगर हमारा वह है तो यानी ही है या शी है तो हम क्या लगाएंगे हैज़ लगाएंगे वाई हैज़ शी नहीं भी है ना वाई हैज शी नॉट बीन स्टडिंग कब से सिंस मॉर्निंग सुबह से ठीक है सुबह से वो नहीं पड़ रही है फाइन मालिक किस पौधे में पानी दे रहा है अब यहाँ भी हमको टाइम नहीं दिया हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें टाइम हमेशा दिया ही हो नहीं सीन्स और फॉर नहीं भी है तो हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे उसके बिना ही और अगर दिया है तो हम उसको अप्लाई कर देंगे सिंपल एज़ दैट तो माली किस पौधे में अब किस पौधे की इंग्लिश क्या होती है इन विच प्लांट ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है इन विच प्लांट ठीक है उसके बाद माली तो सिंगुलर ही, ही है तो इन विच प्लांट हैज द गार्डनर इन विच प्लांट हैज द गार्डनर Not nahi na? Bean gardener. In which plant has the gardener been watering? Watering. In which plant has the gardener been watering? In which plant has the gardener been watering? Right? I forgot to write here. हो जाता है कभी तो इन विच प्लांट ठीक है किस पौधे में ओके okay, ये हो गया उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने उठा लिया अपना हैज़ और है फिर हमारा सब्जेक्ट है माली फिर हमारा नॉट नहीं है सेंटेंस में तो नॉट को वी विल स्किप द नॉट फिर बीन एंड उसके बाद पानी देना वाटरिंग पानी दे रहा है तो इन विच प्लांट हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग ओके फाइन सो that's all for today and thank you for watching my videos bye bye take care do take very good care of yourself thank you and bye bye have a nice time